हेलो व्यूअर्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर हम हमेशा आपके लिए कुछ यूनिक और नई रेसिपीज़ लेकर आते हैं। तो आज की रेसिपी भी कुछ ऐसी ही है। आज हम बनाएंगे चीकू का हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चीकू का हलवा बनाने के लिए हमने आधा किलो चीकू लिए हैं और इसे हमने छील लिया है। तो इसका हलवा बनाने के लिए पहले हम इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे और इसके सारे बीज अलग निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे चीकू को ग्रेटर से कद्दूकस कर लिया है और इसके बीज अलग निकाल लिए हैं। और अब हम एक पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकस किए हुए चीकू। देखिए, हमने यहाँ पर इनको कद्दूकस किया है। अगर आप कद्दूकस ना करना चाहें तो इसे बारीक काट भी सकते हैं। और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम इसकी घी में अच्छे से भुनाई करेंगे। तो इस तरह इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम इसकी भुनाई करेंगे। जितनी अच्छे से इसकी भुनाई होगी उतना ही बढ़िया हलवा बनकर तैयार होगा। तो हमें इसकी भुनाई करते हुए 10 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा डार्क होने लगा है और इसमें से घी भी रिलीज़ होने लगा है। तो इस स्टेज पर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि चीकू बहुत मीठे होते हैं इसलिए हमने चीनी की क्वांटिटी कम रखी है। साथ ही में हम इसमें 1 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। आप ड्राई फ्रूट्स कोई से भी ऐड कर सकते हैं। हमने बादाम और पिस्ते लिए हैं। और ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी को इसमें मेल्ट होने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम हलवे की एक लेयर बना देंगे, क्योंकि हम इसमें इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं। तो अच्छे से इसकी लेयर सेट कर दी हमने। इस स्टेज पर हम इसमें आधा कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो मिल्क पाउडर को हम इस तरह ऐड करेंगे कि पूरे पैन में अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो देखिए, हम मिल्क पाउडर को अभी हलवे के साथ मिक्स नहीं करेंगे। इसे कवर कर देंगे और 1 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने मिल्क पाउडर को पहले मिक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने इस हलवे को बनाने के लिए खोया यानी कि मावे का इस्तेमाल नहीं किया। तो इस तरह से जब आप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे तो इसमें बिल्कुल मावे वाला टेक्सचर आएगा। और अब हम मिल्क पाउडर को इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से प्रेस करते हुए मिल्क पाउडर को हलवे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो देखा आपने कैसे झटपट कुछ ही मिनटों में कितना मज़ेदार सा हलवा बना है। आप इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही आसान और यूनिक रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।